खड़े हैं और बैलबड़ी की आत्मा प्रसन्न हो गई। गुरुदेव क्या बात है, क्या रुक जाऊं? बड़े हां बड़ी रुक जा, अभी संकल्प मत देना। गुरुदेव शुक्राचार्य कह रहे हैं रुक जा, अरे मना कर दे, तूने देने को कहा है ना। बड़े रुक जा बली, अरे इस समय झूठ बोल दे। क्यों महाराज? बोले कोई बात नहीं, दो चार जगह हम झूठ बोल सकते हैं। दो चार जगह कौन कौन है महाराज जहां हम झूठ बोलनी है? श्री सुनर में विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण आते हिंसाया नान सुचार्य मोक्षितम। स्त्री सु महाराज क्या बात है, स्त्रियों के पास पत्नी के पास झूठ बोलना चाहिए? बोले नाना पर कभी कभी बोल देना चाहिए, कभी कभी। उसने कहा कहां क्यों बोलना चाहिए भाई, मैंने बड़े सब बात इनके पास पता नहीं चाहिए माताओं के पास, पर कभी कभी चुप हो जाना चाहिए। क्यों? वह बड़ी आप मन रख सकती कि सब गरियाने में बोली कि मैं तुम बोल दू पर कैम नहीं बोली तू। अरे भाई जब तुम नहीं रख सके आप तो मैं कह रखनी अरविंद में है कम बोलने कारण पर मैं तुम बोल तू कैम नहीं बोली ऐसे लगाऊ बोल की बात। स्त्री सु बड़े महाराज ऐसा क्यों हुआ? बड़े कुंती थी ना कुंती मैया, पांडवों की माता कुंती। अरे जब धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध हो गया पूरा, और महाभारत का युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर सबका दर्शन कर रहे हैं, सबके निमित्त पिंडदान दे रहे हैं, पिंड भर रहे हैं सबके, अपने पूर्वजों के, अपने भाइयों के, अपने चाचा ताऊ सबके एक एक पिंड डाल रहे हैं और सबके नाम के दो दिए। सब लोग और लोग जो वहां हैं, माता कुंती गांधारी और कुछ और लोग वहां बैठे हुए हैं, ईश्वर महाराज पिंडदान कर रहे हैं, एक एक पिंड दे रहे हैं। जब सब पिंड दे दिए माँ कुंती खड़ी हो गई है, पुत्र ईश्वर अरे एक पिंड कर्ण के नाम का दे दे पुत्र। बड़े कर्ण के नाम का माँ तुम क्या कह रही हो? अरे कर्ण हमारा दुश्मन, हमारे गोत्र का नहीं, कुल का नहीं, खानदान का नहीं, माँ क्या कह रही हो? बड़े पुत्र रुक जा, पर आज कह दिया पुत्र कर्ण महादानी कर्ण, अरे वो तेरा ज्येष्ठ भ्राता था। अरे मां मेरा ज्येष्ठ भ्राता? आज कह दिया पुत्र, मुझे भगवान सूर्य के आशीर्वाद से वो पुत्र मिल गया था, मैं क्या करूं? और बाल्यपन में मैंने लोक मर्यादा के लिए लोक लाज की वजह से उसको बहा दिया था, मैं जानती हूं। लेकिन पुत्र वो तेरा बड़ा भाई है, हाथ में पिंड था ईश्वर महाराज के हाथ से छूट गया, मां तुमने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अरे वो दो दान भी मेरा बड़ा भाई था, हम जान नहीं पाए, उसको जीवन भर अपना शत्रु मानते रहे। मां अगर तू पहले बोलती तो उस दानवीर के पैर चरणों में बैठकर हम उसकी पूजा करते। आज तुमने क्या किया कि मर्यादा की लहर में, मर्यादा की लहर में कुंती रही छुपा, भेद छुपाए क्यों रही कुंती अब पछताए, कुंती अब पछताए युद्ध में कर्ण गवाया, और बेटों को है राज्य मगर मैंने क्या पाया, मगर मैंने क्या पाया। आज सोच रही है माँ तो आज सोच रही है सब, और आज इष्ट ने सांप दे दिया है माँ, आज के बाद स्त्री जाति को सांप देता हूं, ये कोई भी चीज अपने अंदर छुपा नहीं रखेंगी, इसलिए सब बात के पास नहीं बतानी चाहिए, थोड़ी देर रुक जानी, बहुत गुप्त बात है, वो नहीं रख पाएंगी अपने अंदर, सब हम बांट देंगे। और बोली तू कैम नहीं बोली, हमारी पत्नी भी हमारे पास बोल दे तुम नहीं बोला, मैंने पेन रख सकिया तो मैं कह रख लिया, मैं कह रख लिया बात। भैया स्त्री सु नर्म विवाहे च, विवाह हो रहा है ना किसी का, अरे भाई तुम्हारा अगर थोड़ा बोलने से नौनी अच्छे घर चल जाएंगे तुम पर क्या फर्क पड़ो, तुम बुलाए सामना नौनी तो बहुत तेज है। अरे तेज क्या है, वो अपने माँ बाप के घर में तेज नहीं होगी, अब कहीं और जगह जाएगी ना तो उसकी तेजी सब निकल जाएगी।
और तुम बुला लेना, उसका रिश्ता अच्छी जगह नहीं होगा। ये जगह सगाई करने गया कोई, और वह गया और गांव ग्राम थाना बैठा सगाई वालों ऊपर चलिया ना, और ये जान बहुत समूह और मैं आंगन करा ली अच्छी चलिया सगाई वालों तो मत चलिया ना, पर जो नौने थो मांगनो नौने आगे पिताई से सब वही भी वेन बड़ी है आंगन में चले करी कुछ ना कुछ बात आ बड़ू मुड़ा रोए की रात भर नींद नहीं आई। वह कई प्रकार से रहा पर वेन बड़ी नौ ना बोलने की नौ बताऊंगी। वे कहे चल जानो किड़े करी मैंने आंग भी गई वापस सुमेर को, और सबसे पहले वे कहे चलिए भाई जैन वह आंग किड़े ही लाई जैन किड़े कर कहें वैन बने मैंने यहाँ करी कि तक ना निकला वैन बने तक ना बनो तू सर इतना बड़ो ब्रह्मदान जैन में तें जैन कर निकल तें। अरे मेरे तो रास्ता नौ बन टुलने के नौ बताएगी तेरी आंग ने, और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है तो इन पीछे मरोड़ थे। श्री सुनारायण में विवाही चो वृत्यर्थी पान संकटे, यदि ये वृत्ति हो ना कोई नौकरी करता है वैन बड़ी वक्त में नौकरी बचाने लगी तो बोल दो भाई झूठ वैन बड़ी सामने ही किथो मैं थोड़े से चली थो कहीं आई हूँ अभी और मीट कर लिया लूँ बोला ठीक ठाक गर्म काम करना मीट कर लेनी बोले भाई वृत्ति की बात है नौकरी की बात है भूल दे चल जाएगा। प्राण संकट है कहेगा प्राण पर संकट आई हूँ और तुम बुलाए नहीं ये सच्ची बात है। अरे सच्ची समय झूठ बोल दे उससे प्राणों पर संकट है। देवी भागवत में एक कथा आती है कि वहां पर एक सत्यवादी तपस्या तप कर रहा है और वहां पर एक कोई अपने जान बचाने के लिए उसके आश्रम में कुटिया में आ गया जहां पे गया था। देख लिया उसने ये चोर है इसको मार देंगे, और जैसे आए वो अब उसने कर दिया ऊपर चला गया। उसने कहा भैया मैं तो तप कर रहा हूं कि मुझे सत्य बोलना है झूठ नहीं बोलना है। जब यमराज के पास गया ना यमराज ने कहा इसको सबसे पहले दंड से मिलना चाहिए। क्यों महाराज मैंने तो हमेशा सत्य बोला मैंने बढ़िया सत्य बोल देते उसकी तो जान ले ली उन्होंने उस समय झूठ नहीं बोल सकता था। भैया हर जगह सत्य ही नहीं चलता है कहीं झूठ भी सच हो जाता है। महाराज बलि समझा रहे हैं बलि को समझा रहे हैं शुक्राचार्य झूठ बोल दे। बलि ने कहा महाराज नहीं। अरे ऐसे बड़ी बात क्या होगी साक्षात जग का जो जग को देने वाला विधाता मेरे द्वार पे आया है आज तो गुरुदेव मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मैं इनको कुछ दूंगा तो बलिदान हो जाऊंगा। उस दिन से बलिदान शब्द पड़ गया। बोले बलि महाराज की और अपना दे दिया महाराज मैं दे रहा हूं। बोले आपको गुरु जी को छोड़ना पड़े कोई बात नहीं स्वीकार है मुझे। बलि गुरु तजो बलि ने अपने गुरु को कोई बात नहीं ऐसे गुरु भी छोड़ने पड़े जो भगवान से अलग कर रहे हैं ना छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। गुरु न सच्चा स्वजनो न सच्चा बड़े वो गुरु हैं क्या जो साक्षात नारायण आ रखा है दरबार द्वार पर अब उसको देने के लिए मना कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं गुरुदेव मुझे स्वीकार है और भगवान जैसे ही संकल्प दिया है उनके गुरु ने कहा कोई बात नहीं। और उस झाड़ी में जिसमें जल आ रहा था ना उसमें बैठ गए शुक्राचार्य और बलि महाराज। बामन ने कहा ए बलि कोई बात नहीं संकल्प मैं ही करवा लूंगा मैं भी तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ मैं बोलता हूँ संकल्प। और गुरु जी उसके सूक्ष्म रूप में उस झाड़ी में बैठ गए और उसने एक कुशा निकाली और जैसे उसमें डाला शुक्राचार्य की एक आंग गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने तीन पैर कहा था और तीन पैर में एक पैर बढ़ाया यहाँ से और वो पैर आकाश तक चला गया और वहां पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उसको सिंचित कर लिया और गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जस्ता जन्म सत पापम स्नाता जन्म सत द्वयम। अरे वो गंगा माता उसका नाम लेने से मनुष्य का कई जन्मों के पाप तर जाते हैं वो गंगा प्रकट हो गई है। दूसरे पैर से दूसरा पैर आज पाताल तक दिशाएं भर गई और तीसरे पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। और बलि महाराज ने कहा बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बता तो सही तुमने कहा तीन पैर दूंगा पर तीसरा रखूं कहाँ।
एक से स्वर्ग नाप दिया है, दूसरे से पाताल नाप दिया, अब कह रहा हूं बोले पदम तृतीयम कुरुशी में निजम। ए प्रभु मेरे, मुझे अभिमान है ना, मेरी मति के ऊपर मेरे सिर पर रख लीजिए तीसरा पैर अपना। और भगवान ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रख दिया है। बोलिए बलि महाराज की जय, चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। और इसके बाद चाक्षुष मन्वंतर की कथा आती है। उसके बाद इसी वंश में आगे चलकर इच्छाकु वंश में, इच्छाकु वंश इसी में सत्य जन्मा के बुद्ध, बुद्ध के, और इस वंश में आगे चलकर यदु, और यदु के यहाँ फिर वसुदेव, और इसी वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बोले पिता महा में समरे मरण जय, देव व्रता। इस वंश का वर्णन किया महाराज, इतना संक्षिप्त मत सुनाइए। कह दिया सुखदेव जी ने कि आदो देव चितयुनंदनम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवितापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहन्नम कुंती सुता पालनम एतन् भागवतं पुराण सहितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। अरे परीक्षित, अरे इतना ही सुन लो, तुम्हें कई दिन हो गए, 4 दिन हो गए हैं भैया, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो। बोले प्रभु हे गुरुदेव, अब मुझे भूख प्यास कुछ नहीं है। नैषा से दुस्सह क्षुण्मा त्यक्तो तमपि बाधते पिबतन् मुखाम्बोजम् अच्युतम हरि कथामृतम। प्रभु मैं तो वही हरि कथा सुनना चाहता हूँ। और यहाँ वर्णन करना प्रारंभ कर दिया कि वसुदेव जी का विवाह देवकी से होने जा रहा है। कंस जिसने अपने पिता उग्रसेन को भी पदच्युत कर दिया है, हथकड़ी बेड़ियां डलवा दी, ऐसा सोचा कि अब प्रजा में मेरी अच्छी छवि चली जाएगी, इसलिए आज बहन देवकी का बहुत धूमधाम से विवाह कर रहा है। और रथ की रास अपने हाथ में ले ली, और पीछे देवकी वसुदेव बैठे हुए हैं, और जैसे चल रहा हजारों लाखों लोग खड़े हैं सड़क के चारों ओर। और कंस का रथ आगे बढ़ गया है, बढ़ रहा है, और ठीक बीच में आकाशवाणी होती है कि पति प्रणम कंस आभासा शरीर अस्याम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसुदा। एक अंश जिस बहन को इस प्रकार से लाड़ प्यार से विवाह करने ले जा रहा है ना, इसके 8वें पुत्र से तेरा काल होगा, वो तेरा काल पैदा हुआ है। जैसे ही सुना बड़े दुर्जन मनोरथम दुर्जन मानवाना, जो दुर्जन मनुष्य है ना, उसकी दुर्जनता कब सामने आ जाए कोई पता नहीं है। अपनी म्यान से तलवार निकाल दी, और देवकी को मारने के लिए जिस बहन को इतने प्यार से विदा करने जा रहा था, उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया कि मेरा काल कहां से पैदा हो गया, जब यही नहीं रहेगी इससे होगा ना काल। और वसुदेव जी समझ गए कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय के संकट को टाल देना चाहिए, बुद्धिमानों की पहचान है। वो क्या करते हैं, कभी क्रोध का समय आ जाए, बोले उस समय को टाल दो, अगर उस समय कुछ कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। जाने नारायण नारायण। वसुदेव जी तैयार, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया है, कंस ऐसा मत कर भैया। अरे कंस तू क्या बोल रहा है, काल कौन सा काल भैया, काल तो जब हम पैदा होते हैं तब पैदा हो जाता है। और समझाया तू, इस समय जनता में तेरी छवि खराब हो जाएगी, गलत संदेश चला जाएगा, रुक जा। मृत्यु जन्म बताम वीर देते अद्यवाद्य सतांते मृत्यु वही कहानी नाम ध्रुव। अरे मृत्यु तो होनी है, पर ऐसे मृत्यु ठीक नहीं है कंस, तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो वीर है,
इस धरती का वैभव है कंस, रुक जा। अरे इससे जो खतरा है ना इसके बच्चों से, तेरा काल होगा, इसके जितने बच्चे होंगे ना मैं ले दूंगा कंस। और जब जो सत्यवादी व्यक्ति कुछ कहता है ना तो आदमी को बात मान लेनी चाहिए, उसकी बात सत्य होती है। कंस समझ गया कि वसुदेव जी कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति ने जो सत्यवादी है, जो सत्यवादी व्यक्ति एक बार कोई बात कह लेता है उसकी बात पत्थर की जो लकीर हो जाती है। कंस समझ गया, बोले अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पर अब तुम्हें मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। कारागार में बंद कर लिया है, और कारागार में जैसे ही बंद किया देवकी वसुदेव को यहाँ प्रतीक्षा होने लग गई है, और उसके 6 बच्चे इसने ये करके मार दिए हैं। 7वां बच्चा, 7वां पुत्र माँ देवकी के गर्भ में आया, और वहां योग माया से कहा भगवान ने, हे योग माया तू ये काम कर ले। क्या करूं महाराज, गच्छ देवी प्रचंबते गोप गोपी अलंकृत रोहिणी वसुदेवश्च भार्यास्ते नंद गोकुले। तू नंद के यहाँ पैदा हो जा, और नंद के यहाँ तू पैदा होगी, यहाँ आ जाना, और इससे पहले 7वां ग्रंथ था उसे कह जा योग माया, इसको तू उनकी पत्नी है रोहिणी उसके गर्भ में स्थापित कर दे। सरोगेट मदर के जमाने में हम रोज जी रहे हैं, इस समय जब इसका भी आदान प्रदान हो जाता है, ऐसा समय उस समय भी था। और सरोगेट मदर रोहिणी के गर्भ में देवकी का गर्भ स्थापित कर दिया, और वहां यहाँ योग माया को कह दिया तू पैदा हो जा, और यहाँ भगवान बोल रहे हैं सब हो जाएगा, सारे देवता भगवान के पास चले गए हैं, प्रभु इसका अत्याचार बढ़ गया है, प्रभु आप सत्य हैं, भूलना मत, आपको जन्म लेना है। सत्य कृतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य हैं, चित मत होना, आप अच्युत हैं, आपको जन्म लेना है। भगवान ने कहा रुक जाऊं देखता हूं, निश्चिंत रहो मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अवतार लेने वाला हूं। सारे देवता प्रसन्न हो गए, और देवकी वसुदेव के यहाँ 8वां गर्भ में इस समय साक्षात नारायण जब आ रहे हैं ना, तो देवकी माँ कितनी सुंदर हो गई है। नष्टे लोके पराधा बसाने महाभूते स्वादि भूतं गतेषु जपे अव्यक्तं काल के निजाते भवाने शिष्यते शेष संज्ञा।